मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कैलकुलेशन के इस वीडियो सीरीज में। पिछले कुछ वीडियोस से मैंने मैथ में फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूं और उसको आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ताकि मैथ्स में कैलकुलेशन आपका फास्ट हो, स्ट्रांग हो, गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाए। और अगर कैलकुलेशन में गलत होने की संभावना कम होती है तो आपके मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि मैथ्स में सारा कुछ सही बनाने के बाद भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, आंसर नहीं आता है, तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आप निराश हो जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप पेरेंट्स होकर के देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर इस तरीके का वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करने बताइए, कैलकुलेशन करने बताइए, कैलकुलेशन फास्ट करना सिखाइए, ताकि उनका स्कोर इम्प्रूव हो सके। तो देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्विक मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 बाई 99, 999, 9999 एंड सो ऑन। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखा है, 9 × 9, 9 × 99, 9 × 999, 9 × 9999। इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को आप सेकंड में कैलकुलेटर से भी फास्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, देखिए 9 × 9 क्या होता है, 9 × 9 81 होता है, 9 × 9 = 81, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए इसके आगे करने के लिए क्या करते हैं, 9 को 9 से करना था तो 9 × 9 = 81, ये तो टेबल पढ़ लिए। अब 9 को 99 से करना है तो अब आपको टेबल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है आपको कि इसका लास्ट डिजिट तो 1 ही होगा, क्योंकि 9 को आप 99 से करें या 999 से करें, 9 × 9 = 81 होता है, तो यूनिट डिजिट तो 1 होता है स्टूडेंट्स। इतना आपको समझना है पैटर्न में कि 9 से 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 होगा, कितना भी 9 हो नंबर्स में। अब क्या करना है, यहाँ पर 8 आया था, देखिए 9 × 9 = आया था, 81 आया था। अब क्या करना है, 81 के बीच में आपको 9 को डालते जाना है। अब यहाँ पर 81 जो था, इसके बीच में अगर 9 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, 891 आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं से पैटर्न स्टार्ट होता है, 9 × 9 = 81। अब 81 के बीच में आपको 9 बढ़ाना है, तो 9 × 99 हो गया 891। अब 9 × 999 कितना हो जाएगा, 9 × 99 हो गया 891। अब 9 × 999, अब कि 3 × 9 आया, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर 8 होगा, बीच में डबल 9 लगाएंगे और लास्ट में तो आपका 1 होगा ही, मतलब बीच में आप 9 को इंक्रीज करते जाइए। अब यहाँ 999 है तो यहाँ पर डबल 9 लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 को 9999 से, मतलब 4 × 9 है यहाँ पर, तो 4 × 9 है तो बीच में कितना 9 लगाएंगे, 3 × 9, एक कम, यहाँ पर जितना 9 है उससे एक कम 9 लगाइए 81 के बीच में, तो यहाँ 8 और इधर 1 और बीच में कितना 9 लगाइएगा आप, 3 9, 1 2 3, तो 8 9 9 9 1, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ 5 × 9 है, 9 × 5 × 9 है, मतलब 99999, तो यहाँ 8 और इधर 1 और बीच में एक कम 9 लगाइए, एक 9 इसमें हटा दीजिए, बाकी 4 9s, 5 × 9 है तो 4 × 9 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ 6 × 9 है तो 5 × 9 लगा दीजिए, एक 1 times कम लगाइए, ये हो गया 8 9 9 9 9 9 1। अब यहाँ पर देखिए 2 4 7 × 9 है, तो 6 × 9 बीच में आएगा 81 के बीच में, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, और 6 × 9 हो गया और 1 हो गया, तो है ना कितना आसान। इस तरीके का अगर आप पैटर्न समझते हैं तो बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। आप अपने साथियों के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं, अपने साथियों को कह सकते हैं कि देखो ये सब नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसके बाद कितना टाइम लगता है वो देखिए, और उसके बाद बताइए आप
कि देखो मैं इस मल्टीप्लिकेशन को कितना फास्ट करता हूँ। आपको अगर 10 मिनट्स लगा है तो मुझे 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय में इसको कर देंगे इतना सारा मल्टीप्लिकेशन को। तो इस तरीके से आपको मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा और फिर मैथ्स इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। मैथ्स सचमुच में इंटरेस्टिंग है, फनी है, मैजिकल है, और मैं आपको मैथ मैजिकल बना दूंगा। आप वीडियो को फॉलो करते रहिए और उसको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से नए तरीके से सीख सकें कैलकुलेशंस और उनका भी इंटरेस्ट जाग सके। कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ को सिखाते हैं खुद करने से ज़्यादा दूसरों को जब सिखाते हैं तो आप सीखते हैं। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्री में, आप भी अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसे बांटने से बढ़ता है, और ज्ञान ही ऐसी चीज़ है जिसको कि न तो चोर चुरा सकता है न कोई इसका बंटवारा कर सकता है। तो आप ज्ञान को जितना ज़्यादा बांटिए, जितना ज़्यादा सीखिए, और यही ऐसा धन है जो हर जगह आपको काम आएगा। धन्यवाद।